हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पटवारी 2012 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2017 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो वो किया था अशोक महान ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, हमारा है कि भारत का भाई कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियाँ। अगला, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सौर लालटेन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए इंदौर उज्जैन में। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश से नहीं था। तो वो था सरोजनी आप्टे। अगला, भगोरिया मुख्यतः किस जनजाति का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भील। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो नौखंडा जो महल का निर्मित कराया गया था वो कीर्तिपाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तरी पूर्वी रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी विदिशा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण विद्यालय किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है कि अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तीन बार। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन है कि फायन किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी। तो आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे। तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर था वो बनवाए थे राष्ट्रकूट वंश ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई तब वायसराय कौन था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का प्रभाव निम्न में से किन राज्यों में होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विख्यात गुजरी महल कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में विख्यात गुजरी महल स्थित है ऑप्शन बी में ग्वालियर में।
अगला क्वेश्चन है कि रीवा जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो रीवा जिला जो है सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, सॉरी उद्गम किस स्थान से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक से होता है, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बैतूल जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन डी। अगला है कि राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? तो राजा मानसिंह तोमर थे ग्वालियर के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत की पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जबलपुर। अगला क्वेश्चन है कि अखबार टाइम्स समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं आपको अपने अंदाज से बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है वो फर्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का क्या नाम है जो कि भोपाल में प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नादिम। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2009 में। अगला क्वेश्चन है कि उषा राजे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि अलकायदा है ये, तो ये आतंकवादी संगठन है, एक अलकायदा आतंकवादी एक संगठन है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3:2। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि मगध को बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित करने का पहला चरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिंबिसार। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में आर्यों को निम्न में से किसका ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी कौन सी धातु का उपयोग अधिक करते थे? तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा धातु का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, श्री श्री रविशंकर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेधा पाटकर इससे संबंधित है? तो वो संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो जो मानव शरीर होता है विद्युत का चालक होता है। अगला, चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो वो हुए थे लंदन में। अगला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोद राय। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला, भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा।
लास्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए।